Thanks. Unknown number? मैं कौन बोल रहा है बे? Who the hell are you? तू कौन बोल रहा है बे? अबे चिरांत के बीच फोन तूने किया, तू बता तू कौन बोल रहा है और किससे बात करनी है तेरे को? I am David Mishra. मुझे अपने नल्ले भतीजे खचड़ू से बात करनी है. चाचा जी, विभूति बोल रहा हूँ. खचड़ू खचड़ू. अबे तू अभी तक उतना ही बदतमीज है, सुधरा नहीं तू. चाचा जी क्या करूं, जमाना ही बदतमीजों का है, कोई शरीफ बनने देता ही नहीं. लेकिन चाचा जी आपका फोन नंबर क्यों नहीं आया मेरे फोन पे? आपने नंबर चेंज किया है क्या? अरे क्या बताऊं खचड़ू, वो क्या है ना कि मैं अपने केबिन में अपनी पीए को डिक्टेशन दे रहा था तो तभी तेरी चाची आ गई. उन्होंने मेरा ही मोबाइल मेरे ही सर पे थे मारा जो 40 मंजिल से नीचे गिर गया. फिर दूसरा नंबर लेना पड़ा. पर चाचा जी आप तो अपनी पीए को डिक्टेशन दे रहे थे तो चाची ने क्यों बुरा माना इस बात का? अरे चाची इस बात से नाराज थी कि केबिन में और भी कुर्सियां पड़ी हैं, फिर मैं और मेरी पीए एक ही कुर्सी पे एडजस्ट क्यों कर रहे हैं भाई. एक्चुअली विभू के एक चाचा जी हैं जो लंदन में रहते हैं, उनका नाम है डेविड मिश्रा जी, और वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते. बड़े बदतमीज आदमी हैं. नहीं एक्चुअली उसके पीछे भी एक कहानी है. असल में हुआ क्या था कि जब मैं और विभू कॉलेज में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो मैंने विभू के चाचा जी के मुंह पर स्याही फेंक दी थी और तब से ही वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं और मेरे और विभू के शादी के बिल्कुल खिलाफ है. काश कि ये शादी नहीं होती. तिवारी जी आपसे गुजारिश है कि जब डेविड अंकल आएंगे ना तो उनको ऐसा दिखाना है कि विभू और अंगूरी जी हस्बैंड वाइफ हैं. देखिए मान लीजिए कि अंकल जी यहां बैठे हुए और आप वहां से आई और मैं यहां से आया और आप कैसे मुझसे पूछती हैं स्वीट हार्ट रात को खाने में क्या बनेगा? रात को खाने में क्या बनेगा? बोलिए ना. आप बोले ना वो स्वीट हार्ट बोलिए ना. नहीं नहीं हम नहीं बोल पाएंगे. क्या नहीं बोल पाएंगी? स्वीट हार्ट. यस स्वीट हार्ट. क्या बोले? अच्छा ओके 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 फाइन. आप जानू बोल दीजिए, खत्म करिए बात. नहीं हम बोल ना, हम नहीं बोल पाएंगे. क्या नहीं बोल पाएंगी? जानू. यस जान. अरबति जी आप क्या सिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हम जा रहे हैं, चाचा जी आएंगे तो हमको बुला लेना. भाभी मेरी बात सुनिए. भाभी जी, भाभी जी, चाचा जी, चाचा जी कितने दिनों बाद मिले आप. 10 साल हो गए आपको मिले हुए. आप 60+ तो होंगे चाचा जी, लेकिन कमाल मेंटेन किया हुआ आपने. एकदम इतना सोने का उड़ गए ऊपर से. बट यू आर लुकिंग नाइस. अरे खचड़ू बस थोड़ा सा जोश में कमी आई है इसलिए कैप्सूल खा रहा हूं. चाचा जी आप नहीं सुधरेंगे. मैं बुलाता हूं अभी सुनीता को. हनीबन स्वीटी डार्लिंग देखो कौन आया है. भाभी जी क्या कह रहे हैं? अरे अब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को और क्या बुलाएगा तिवारी जी. कम 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 कम. अरे वाह भाई खूबसूरत है. वाह भाभी जी चाचा जी के पैर छुइए प्लीज. आप प्रणाम चाचा जी. खुश रहो बेटा खुश रहो. सुन तेरी बीवी है ना ये? ऑफ कोर्स मेरी बीवी है. तू इसे भाभी क्यों कह रहा है? आप चाची को क्या बोलते हैं? मम्मी. तो अगर मैं अपनी बीवी को भाभी जी बोल रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम है चाचा जी? कम ऑन गिव मी अ ब्रेक. खाइए खाइए चाचा जी. वाह 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 बेटा वाह, तेरे हाथों में तो जादू है. आ लीजिए और खा लीजिए, पेट भर के खाइए. अरे पेट भर के क्या, पेट के ऊपर तक खाऊंगा. अच्छा ये बता खचेड़ू, तूने इतनी सुशील इतनी सुंदर बच्ची को कहां से घेरा? नहीं से घेर लिया, आसपास से. आसपास मतलब कानपुर की है ना, तो कानपुर में शादी कर ली थी. कानपुर की है तो
तो फिर ये बिहारी क्यों बोलती है? क्योंकि इसकी जो फोर फादर्स है ना वो बिहार के थे। अरे हमारे चार फादर ना ही है, हमारे एक ही डैड हैं। भाभी जी फोर फादर्स मतलब पूर्वज, पूर्वज। हाँ सही पकड़े हैं। भाई खाना बहुत हो गया है, अब गैस बन रही है, तो सोच रहा हूँ टहल के आ जाऊं। एक काम कीजिए आप ऊपर जाइए, ऊपर बालकनी में, खुला खुला है तो सब निकल जाएगा। अच्छा 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 जाऊं 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 कहाँ जाऊं चाचा जी? अरे तू नहीं मैं जाऊं। हाँ तो जाइए ना प्लीज। हाँ जाता हूँ। भाभी जी मैं ले, क्या बात कर। अरे नहीं भरभूति जी हम रख रहे हैं ना। नहीं भाभी जी प्लीज मुझे करने दीजिए ये। नहीं भाभी जी प्लीज मैं करूँगा। अच्छा हम ये। अरे भाभी जी आप बेकार में सहमत कर रही, मैं हूँ ना भाई। मियाँ बीवी में इतनी इज्जत अफजाई मैंने पहली बार देखी है, कमाल है।